Assalamualaikum everyone and welcome back to another vlog. I hope ab sab khair khairiyat naal hoge. Sabse pehle to bahut zyada thank you to each and everyone jisne aur e kaku gaming wale channel pe subscribe kiya. Ek din ke andar 50,000 subscribers god ke rakh diye aap logon ne. Jo bande vlog dekh rahe hain aap sabka welcome hai. Jo bande new aaye hain kya haal chaal hai, kaise aap log, subscribe kar do. Nahi बड़े ही कोई अरसे के बाद गड्डी से बैठ के व्लॉग स्टार्ट हो रहा है. लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कब हमने व्लॉग स्टार्ट किया था गाड़ी के अंदर बैठ के. खैर एक दिन में 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होना शायद आप लोगों के लिए कोई बड़ी गल ना हो, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी गल है. मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 2019 से लेकर 2022 तक मैंने इस चैनल के ऊपर जो वीडियो गेमिंग की जो वीडियो होती थी वो मैं अपलोड करता था, दिन रात एक कर दिया था. तब जाके मेरे कोई 2-3 साल के बाद 50,000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होते हैं. एक दिन के अंदर 50,000 सब्सक्राइबर्स, वो भी न्यू गेमिंग चैनल के ऊपर जिसके ऊपर अभी तक एक सिंगल वीडियो भी अपलोड नहीं. अब हम लोग आ जाते हैं जरा मेन बात पे, आप लोगों की बात पे कि काकू तुमने कंजूसी नहीं करनी. मुझे पता है आप लोग किस बारे में सोच रहे हो, जो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, हमारा साडा सरप्राइज किधर है. मिलेगा सरप्राइज, मिलेगा, थोड़ा सब्रो तहमुल से काम लो. मैंने भी 3 साल सब्रो तहमुल से काम लिया. इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी, मैंने बताया था, मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन जिन लोगों ने देखी इंस्टाग्राम पर फोरी काकू फॉलो मार देना. वहाँ पे स्टोरी में ही था कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा क्या सरप्राइज है. तो दो बातें अभी तक यही कि एक हम लोग विनर सेलेक्ट करेंगे, उस विनर से हम लोग पूछ लेंगे कि आपका एड्रेस वेड्रेस किया, तो उससे हम लोग मिलने चले जाएंगे, या उसका हम लोग एड्रेस पूछ के उसको कुछ सरप्राइज सेंड कर देंगे. तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन वो हम लोग इस्लामाबाद में जाके मुबीन भाई से पूछ के जैसा वो कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे, क्योंकि कल मैंने जाना इस्लामाबाद. खुशी भी है, गम भी है. खुशी इस तरह के अभी जाके हम मुबीन भाई से मिलेंगे बड़े दिनों के बाद, और गम इस चीज का है कि लाहौर को छोड़ना पड़ रहा है. मैंने न्यू ईयर पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कहा सबके सब लगे हुए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जैसे पूरी जिंदगी इनकी चेंज हो गई, इतनी बड़ी खुशी आ गई है. लेकिन नया साल आ गया, गम कम हो गया भाई, एक साल आप लोगों की जिंदगी से कम हो गई है. कल इस्लामाबाद के लिए निकल जाना है. लाहौर से मोहब्बत है मेरे दिल में, इतने दिल इस साइड पे होता है, इस साइड पे होता है, जहाँ भी होता है दिल में मोहब्बत. जैसा कि नया साल स्टार्ट हो गया, एक थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, जैसे आप लोगों को भी मिलती होगी. यार जनवरी आ रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, अब हम लोग कल से जिम जाएंगे, इसके बाद एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, खलास, बाय बाय. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काकू न्यू ईयर की रात में तुम किधर थे. तो मैं और मेरी हम लोग यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करे थे. ये देखो बलून्स यहाँ पे फाड़े में, उसमें जो ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पे फाड़ा हुआ है. डिग्गी के अंदर भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, सारी सारी स्ट्रीमिंग की चीजें, सारे कपड़े चपड़े बिखरे, वो सारा सामान पैक करना है क्योंकि कल सुबह सुबह निकला है. प्लस इसके भी कुछ काम काज रह गए सारे, आज निपटा के फिर सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे फॉर इस्लामाबाद. अभी फिलहाल हम ओपन करते हैं डिग्गी. हैप्पी न्यू ईयर. ये बहुत सारे गुब्बारे शुब्बारे पड़े हुए, तो इनको अभी फाड़ते हैं जल्दी से. सुई, तो इनको अब ठाट. ओ, एक गुब्बारा ये और बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वाला. इधर उधर देख ले, कोई देख तो नहीं रहा ना, पता चले समझे गए ये पागल या अकेले मजे कर रहे हैं. न्यू ईयर क्या मिला तुम्हें? कुछ मिला न्यू ईयर पे? नहीं, वही सारी जिंदगी है, करो स्ट्रगल. ये वाला जो है ना, इसको बचा के देंगे, इसको लास्ट में फाड़ेंगे. पीछे कहाँ भाग रहे हो हैवान, इधर तो आओ. हेलो, आज तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चुन चुन के तुम लोगों को गाड़ के रख दूंगा इसे. याला जी जी, ओए होए होए, पूरा मैदान जंग बन गया. ये आखिरी रह गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसके अंदर बड़े में. 1 2 3 हेलो इस्मानी. अभी जल्दी से घर चलते हैं, घर में जो बिखरा हुआ सामान पड़ा है, जो पैकिंग वगैरह करनी है वो पैक करते हैं. हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों. अभी घर में पहुंच गया हूँ और एक बच्चा भागता भागता है. आजो जी, कैसे हो? ठीक हूँ. क्या नाम है आपका? अरहम ताहिर. अरहम ताहिर, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो आप? मैं बस सिर्फ राइड पे हूं. ठीक है, काकू का बहुत बिग फैन हूं, आप इसको लाइक करें. ऐसे होने चाहिए बिग फैंस, बोल दो सब्सक्राइब भी कर दे. पर अपने रूम में आ गए थे, आके नमाज पढ़ी है और ये हाल हुआ पड़ा है सारे रूम का. ओ, मेरा नाश्ता भी पड़ा हुआ है, अभी तक नाश्ता ही नहीं किया मैंने. वो वाला बैग फिर से फुल हो गया, बाकी एक कपड़े शपड़े बिखरे पड़े हैं, कुछ हैंग करने वाले कपड़े हैं, इनको हैंग कर लेंगे पीछे स्कर्ट के अंदर. और ये पड़ा है मेरा स्ट्रीम का सारा सेटअप, ये रहा मेरा पीसी. मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करवाया था. ग्राफिक कार्ड कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, 3060 इस तरह कुछ था. RTX बिल्कुल लिखा होता है मेरे ख्याल से, ये रहा RTX इस तरह कुछ लिखा. माइक शाइक है, हेडफोन वगैरह पड़े हुए, सारी की सारी चीजें पैक. एंड ये है हैवान एलगाटो, ये मेन चीज है.
और ये पुराना आईपैड पड़ा हुआ है, सिल्वर प्ले बटन भी लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके हम लोग लगा देंगे। मुबीन भाई के प्ले बटन के साथ हम लोग अपना भी लगा देंगे और ये कीबोर्ड वगैरह हो गए सारी चीजें। वहाँ जाके टेबल और चेयर का अलग से अरेंज करना पड़ेगा, अब गाड़ी के अंदर तो इनको मैं ठूस नहीं सकता। ये बल्कि लाइट ना आप लोगों को मैं जला के दिखाता हूं। क्या बात है, इन प्यारे कलर्स, ये पर्पल और रेड का शेड आ रहा होता है, बहुत प्यारा लगता है। खैर अभी इसको भी लेके जाना है, इसको संभाल के लेके जाना है। इसकी तारे जो है बहुत बारीक बारीक से, वो कट सकती है अगर सामान में ऊपर नीचे हो गई, तो इसका भी एहतियात करना पड़ेगा। वेप हो गया, पासपोर्ट, एक्स्ट्रा वेप की बैटरीज, फ्लेवर गाड़ी के अंदर, मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर फ्लेवर पड़ा हुआ है, वो भी लेके जाना है। ये वाली चाबी थी, बड़े अच्छे से ऐसी पड़ी हुई थी, सेफ पड़ी हुई थी, इन केस अगर कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए। फिलहाल कमरे का बड़ा गंदा शुरू हुआ है, सारी की सारी पैकिंग शैकिंग करनी है, पैकिंग कर लूं, उसके बाद फिर रात को निकलते हैं। 4 hours later. रात के 9 बज रहे और इसको लेके मैं आ गया हूं बाहर, इसके थोड़े बहुत काम पे फ्यूल वगैरह फुल करवाने, तो अभी करना पड़ेगा। सुबह सुबह 10 बजे मुझे निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा भी लेट होता हूं तो, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मोटर पे फॉग स्टार्ट हो जानी है, और ये इसके 100% काले शीशों की वजह से मैं कुछ नजर ही नहीं आना। अभी भी ये पार्क के अंदर चेक करो, वो उस साइड के ऊपर धुंधला धुंधला हुआ है, और बढ़ गए भाई, इसकी ऑयल लाइफ भी आ गई है। सही है, सारे के सारे काम अभी पड़ जाओ मेनू, ऑयल की जिंदगी हम लोग इस्लामाबाद में जाके करवाएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। पीछे रास्ते से मैं देखता आया हूँ कुछ 10 घर सजे हुए, शादी हो रही है, लोगों के मजे हैं यार, कसम से हमारी पता नहीं कब होनी है शादी। गाने सुनो बस बैठ के यहाँ पे। यहाँ पे आगे ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, किसी और पेट्रोल पंप से देखते हैं भाई, जो टोन में लाइनें लगी पड़ी है, वो देखो। जब तक किसी और पेट्रोल पंप में पहुँचते हैं मैं आप लोगों को, क्या है भाई, से मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस टाइम, फुल खत्म है ये भाई। मैं साइड पे रुक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा कसम से, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। जिंदगी में कभी मैंने इतनी फॉग के अंदर गाड़ी नहीं चलाई है। अभी हुआ ऐसा है कुछ के ये सर्कल है, यहाँ से घूम के मैंने जाना था उस साइड के ऊपर, पूरा घूम के वापस बैरिया के मेन गेट पे चला गया। मेरे ख्याल से बेहतर ये कि थोड़ी देर साइड पे रुक जाता हूँ, थोड़ा नजारे अपने देख लूँ किस डायरेक्शन में जाना है। वल्लाह बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। ये अच्छा जैस्मीन ग्रैंड है ये, फ्यूल भी बिल्कुल एंड हुआ, साइन हाँ साइन भी आ रहा है इसका, दोनों विंडोज मैंने डाउन कर दी है। अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता ना यहाँ से निकलते हैं बैरियर टाउन से बाहर, क्योंकि ये जो एरिया ना इस स्पेसिफिक एरिया, ये कौन से आ गए सामने, बेशक वहाँ पे रश हो घंटे लग जाए मुझे, मैं वहीं से पेट्रोल भरवा रहा हूँ, इधर तो मुझे पेट्रोल पंप ही नहीं नजर आ रहा है, फॉग की वजह से पेट्रोल पंप भी उड़ गया है। A few moments later, फॉग में पेट्रोल पंप नजर आया, तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट ये था। तुम्हारे लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है, कल तुम मोटर वे पे ना भागी ना कसम से गार्ड के रख दूंगा तुम्हें मैं। अभी यहाँ से केक पकड़ने, मेरी अम्मी की बर्थडे आने वाली है, लेकिन मैं तो लाहौर में हूँगा नहीं, तो आज रात को सेलिब्रेट करके कल सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा, तो अभी केक पकड़ते हैं, उसके बाद फिर सीदा डायरेक्ट घर जाना है, वो भी आराम आराम से। क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे बेस्ट कौन सा केक है आपको यहाँ पे, क्या नाम है इसका? चॉकलेट आइसक्रीम, पता नहीं कौन सा केक। तो ये वाला लेके जाते हैं मामा की बर्थडे के लिए। जस्ट अभी मैं घर पहुंचा हूं, और ये चेक करो इतना प्यारा मौसम, इधर भी भाई ऐसा करते हैं अभी गाड़ी को ना पार्क करते हैं और सामने पार्क में चलते हैं। A few moments later, जो केक मैं भी लेके गया हूं, अम्मी कहती कि किस खुशी में लेकर आ रहे हो, मैंने कहा कि आपकी बर्थडे का, मैं तो इधर हूँ नहीं, तो केक जब उन्होंने ओपन किया ना तो वो उनका फेवरेट केक था, तो मैं कहा चलो किस्मत से सही वाला केक ले लिया हम लोगों ने। बाकी अभी पार्क में आया और ठंडा मौसम हुआ है, यहाँ बैठ के हम एक दो कश लगाते हैं, साथ में अपने बिस्किट्स भी लिया, ये रहे मेरे सुपर के बिस्किट, 5-10 मिनट यहाँ पे बैठना है, बिस्किट्स वगैरह खा के मैं वापस चला जाऊंगा घर में और जाके सो जाने। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए, इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग के टाइम मिलते हैं, सामान वगैरह सारा गाड़ी में डाल के। यार वल्लाह बहुत प्यारा मौसम हुआ है, ठंडा ठंडा। द नेक्स्ट डे, हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। दोपहर के 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रह गए, मुझे निकलना था सुबह सुबह 10 बजे मोटर वे के लिए, लेकिन अभी भी फिलहाल थोड़ी बहुत फॉग है, सुबह 10 बजे का मैं उठा हूँ, लेकिन उसके बाद आधा घंटा इस तरह कुछ निकल गया कि मेरी अम्मी ने बना के दिया था मुझे साग। तो जब इस्लामाबाद हम लोग पहुंचेंगे, मुबीन भाई को और बाकी सबको खिलाएंगे साग शाग। बाकी ये जो गुब्बारे के पीसेस वगैरह रह गए थे, इनको मेरा दिल नहीं मान रहा फेंकने के लिए, तो बस ये ऐसे ही पड़े रह गए स्कर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12:08 हो रहे हैं दोपहर के, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से बेस्ट है मैं सुबह सुबह 10 बजे नहीं निकला ना, अच्छा रह गया हूं मैं। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक मोटर वे ओपन नहीं होता, होप के जल्दी से ओपन हो जाएगा, जितनी लंबी ट्रैफिक लगी हुई है ना। बोलने यार अब इतनी भी फॉग नहीं है, 6:18 शो कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, बढ़ गए यार। दोपहर के इस टाइम पिछले 2-3 दिन से सही मजे की धूप निकली हुई थी, लेकिन आज जब मैंने इस्लामाबाद जाना है तो भाई साड़ी किस्मत। फाइनली टोल प्लाजा आ गया, बट वो
वो नजर भी बड़ी मुश्किल से आ रहा है, इतनी फॉग है इस टाइम की। फॉग के इधर गाड़ी नहीं चलाई वल्लाह, इच्छा सारी मुझे जाने की, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं बस, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। आई होप कि शाम 5-6 बजे तक पहुंच जाए इस्लामाबाद तक। तो बस ज्यादा ब्लॉगिंग श्लॉगिंग नहीं करूंगा, फोकस करने दो। और इतना प्यारा व्यू है, सबसे बड़ा मजा आ रहा है मैंने। अभी सर्विस एरिया आया था और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया यहाँ पे, वो सामने बेकरी है वहाँ से कुछ पकड़ते हैं, जरा नाश्ता वगैरह करते हैं जल्दी से। बच्चे को देखो, गाड़ी को देख के किस तरह शौक हो रहा है। आज बस एक सैंडविच पकड़ते हैं। आज कोई 25 दिन हो गए मेरे ख्याल से मुझे, मैंने स्टिंग को हाथ भी नहीं लगाया, बड़ी याद आती है मैंने उसकी। ड्राई फ्रूट्स और सैंडविच पकड़ लिया, बस ये जल्दी से खा के निकलते हैं, उसके बाद कोई स्टॉप नहीं लेना, सीधा इस्लामाबाद मुबीन भाई के घर जाके रुकना है। तो मुबीन भाई सबर कर दो, मैं आके आपकी खबर लेता हूँ। मेरे जो सारे कजन हैं सारे आपके व्लॉग्स देखते हैं और उन्हें देख देख के मैंने शुरू किया। और ऐसा करो ये केक आप खुद खा लो, ठीक है? ये आप खाओ, मेरी तरफ से गिफ्ट खाओ। नहीं आप, गिफ्ट मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो, खुशी से दे रहा हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू। इस्लामाबाद आने में सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया। मैंने कहा काकू आज तुम बच गए, आज तुमने रिकॉर्ड बना दिया, कोई चलान नहीं हुआ। जब भी स्पीड पे पाऊँ मेरा पड़ता है, उसी टाइम सामने खड़े होते 168 की। मैं पीछे क्रूज लगा के आ रहा है 120 का। मैंने कहा इस्लामाबाद आने वाले स्पीड थोड़ी देते हैं और आप सामने खड़े हो गए। इनको मैं 1000 रुपए का नोट पकड़ा रहा था, मैंने कहा 750 का चलाना है, खैर है कोई मसला ही नहीं होगा। 1500 दो, 160 की प्लस स्पीड थी आपकी। खैर छड्डो, जान दो, जो होना था हो गया। लेट्स गो टू इस्लामाबाद। फाइनली वी आर बैक इन इस्लामाबाद। कैसी हो? अब तो तुम खुश होगी क्योंकि तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड मिल गया है, साइको। अरे अभी अंदर घर में, तो चल के जरा इनसे मिलते हैं, इसको जरा ऑफ कर दें। हेलो, वेलकम आफ्टर इतने सारे दिन। क्या हाल चाल है? नींबू पानी है। मुबीन भाई आपके लिए और आप सब के लिए मेरी अम्मी ने भेजा है साग। ओए क्या ये दो दो अपने घर चले गए। अभी चल के बाहर फ्रेश गर्मा गर्म रोटियां लेकर आते हैं, उसके बाद आज रात का खाना हम इसी साग के साथ खाएंगे, सही है? अभी हम लोग सारे जा रहे हैं आई एट मरकज और वहां पे जाके हमने एक और वेब बाय करना है, पूरा घर धुंधला कर देना है। बाहर भी फॉग है, यहाँ पे घर के अंदर भी सारी फॉग होगी। A few moments later 7 दिन ना अकेली खड़ी हुई थी ये बेचारी, अब इसको मिल गया इसका यार, चल गए वापिस। हम लोग गाड़ियों में आ रहे थे और ये चेक करो, रश लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे आए हुए यहाँ पे 1 घंटा हुआ अभी। हेलो जी, आ जाओ आ जाओ, आपकी गाड़ी स्लो है असल में। बिल्कुल भाई, मैं स्लो हूँ, ठीक है? आप लोग फास्ट हो, ठीक है? थैंक यू ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सर्दी में वेट करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे के सारे ब्लॉग में आ जाओगे, ठीक है? 2 hours later पेप वगैरह लेके हम लोग वापस घर आ गए हैं और मुबीन भाई भी आ रहे हैं। रास्ते में भाई बहुत गलत सीन हुआ, बस हो गया जो भी हुआ है। रास्ते में हुआ रास्ता और बड़े आराम से तो घर है, बहुत आराम से, किसी के साथ रेस नहीं लगा रहे थे हम, घर आ गए बस। किसी ने कीड़ा नहीं किया था, हमने ना कीड़ा ठंडा किया, हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल। तो आप लोगों को पता है जब मार्केट्स हुआ और आगे सिविक आरेस्टेड हो, तो फिर लोगों को जरा होते हैं टूल होती है थोड़ी बहुत के यार रेस रेस लगाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाड़ी की रख दो सब्सक्राइब वाले बटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन, बाय।